आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट के क्वेश्चंस के। आप सभी ने मेरे पहले पार्ट का वीडियो देखा होगा जहां पर हमने इनके कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज के इस वीडियो में बच्चों हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लाए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन है। और जो तीसरे पार्ट का वीडियो होगा बच्चा स्क्वायर एंड क्यूब रूट का, उसमें हम आपके PYQ की बात करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे जो क्वेश्चंस आज तक आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और जब आप इन तीनों पार्ट के वीडियो को देख लोगे तो 101% डन है बच्चा, आप अपने एग्जाम में बेहतर करके आओगे। अगर स्क्वायर रूट से क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा। तो चलते हैं बच्चा, बिना भी टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देखेंगे। लेकिन आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए, आप देखिए क्या इनके क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं बच्चा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको देते हैं टेट, सुपर टेट, सीटेट के बच्चा अर्थमेटिक और रीजनिंग के वीडियोस। जो आपके अर्थमेटिक एंड रीजनिंग का सिलेबस है उसे हम अपने चैनल पे कंप्लीट कराएंगे और अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से पूरे चैप्टर को लाइन से पढ़ सकते हैं बिकॉज इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। चलो बच्चों, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अंडर रूट 0.4 और हम आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमने कहा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों में ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होता है, हम चीज़ों को बोर्ड पर लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, जब आप इसे पहले ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के मन में आ गया होगा आंसर कि इसका आंसर 0.2 होगा, जो कि गलत आंसर है, ठीक है, जो कि गलत आंसर है। और बच्चों जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूँ लगभग बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा और इसको देखते ही बच्चे सेकंड में करके आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर उनकी गलती हो जाएगी। बच्चा इसका आंसर 0.2 नहीं होगा, 0.2 आंसर किसका होगा, 0.2 आंसर इसका होगा जब यहाँ पर लिखा रहेगा 0.04, इसका आंसर हमारा 0.2 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है इन संख्याओं का दो बार गुणा करना। इनका जब आप दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा कहाँ दशमलव कहाँ लग जाएगा, दशमलव दो अंकों पे लग जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2। लेकिन बच्चा इसका आंसर 0.2 नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ ना 0.2 × 2, 2 × 2 = 4 करोगे, लेकिन पॉइंट सिर्फ इसमें लगा है, इसमें तो लगा ही नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट 0.2 कैसे हो सकता है। नेवर, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ही नहीं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो फाइनली हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व करने का पैटर्न क्या है, डिवीजन मेथड, भाग विधि, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व किया जाएगा। 0.4 लिखोगे बच्चा, इनकी पेयरिंग करोगे 0 0 बढ़ा के, जैसे 2 0 बढ़ा के एक पेयर, 2 0, क्योंकि दशमलव के दो अंकों तक यदि आप लिख देते हैं तो आपका आंसर लगभग वहाँ पर मैच कर जाएगा और आप आगे बढ़ जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। बच्चे सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे और इसे हम 6 टाइम ले जाएंगे, अगर हम 6 टाइम ले जाएंगे 6 × 36 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा और जब भी उतरेगा तो पूरा पेयर उतरेगा, यानी दो जो जीरो का पेयर है बच्चा, ये पूरा दोनों जो जीरो हमारे उतर जाएंगे और इस 6 को क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा बच्चा 12 हो जाएगा। अब इसे हम कितनी बार ले जाएंगे, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे तो बच्चों का 48 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसे 3 टाइम ले जाएंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, ये बच्चा हमारा चला जाएगा 1 3 3 6 9 टाइम, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब भी ये कटेगा नहीं, अब भी ये जाता रहेगा बिकॉज ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स में बच्चा वो आ जाएगा 0.64। अगर आपको 0.63 समथिंग दिया है तब भी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में आपका आंसर 0.64 दे देंगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो तरीका था ये था डिवीजन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है बिकॉज ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ऐसे छोटे मोटे प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं और आप उनका गलत आंसर देखें और आपको लगता है कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सही कर दिया है और आप अपना नंबर भी ऐड कर लेते हैं जो कि आपका माइनस में जा चुका होता है। ये बच्चों आज का पहला प्रश्न था। ऐसे ही जितने प्रश्न हैं यहाँ पर वो सारे प्रश्न यूनिक हैं आपके एग्जाम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा है यहाँ पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न हैं बच्चा वो सारे प्रश्न हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। दूसरा प्रश्न हालांकि बहुत आसान है और ऐसे प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, यहाँ पर बच्चा आसान और डिफिकल्ट का कोई मतलब नहीं है बिकॉज हम आपके टेट के लेवल के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही यहाँ क्वेश्चनों का जो आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन बच्चा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि आपके एग्जाम में वैसे ही प्रश्न आते हैं जैसा मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपका आंसर क्या होगा। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन में इसे पहले सॉल्व करिए, देखिए कि आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं बच्चा, मैं तो सॉल्यूशन दूंगा ही, लेकिन आप खुद से भी ट्राई किया करो। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन जब भी आएगा ये लास्ट से सॉल्व होगा। अंडर रूट 49 को बच्चा आप 7 लिख सकते हो,
क्या लिख सकते हो, 7। यानी जब हम इस पूरे स्टेप को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19। पूरा स्टेप बच्चा फॉलो करते हैं, कोई भी स्टेप नहीं छोड़ते हैं। 49 को आप लोग क्या ले सकते हो, 49 बच्चा किसका स्क्वायर रूट है, 7 का है। तो यहाँ पर हमारा जो बन जाएगा क्वेश्चन, 5 प्लस 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस बच्चा 36। 29 और 7 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 जो हमारा स्क्वायर रूट है बच्चा, ये 6 का है। यानी आप लिखेंगे 5 प्लस करड़ी में 11 करड़ी में 19 प्लस 6। 19 प्लस 6 का मतलब हो गया बच्चा कितना हो गया, 25 हो गया। इसका मतलब हो गया 25। अब 25 किसकी करनी है, 25 जो करनी है बच्चा वो 5 की है। अब जब 5 यहाँ पर जोड़ दोगे तो 5 प्लस 16 हो जाएगा अंडर रूट 16। अब 16 किसकी करनी है बच्चा, 4 की है। जब 5 में 4 जोड़ोगे तो अंडर रूट 9 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने एक भी स्टेप नहीं छोड़ा है, बाकी सवाल को यहीं से किया जा सकता था कि 7 होगा तो 29 और 7 36 हो जाएगा जिसका आंसर 6 आएगा, और 6 19 में जोड़ेंगे तो बच्चा 25 होगा जिसका आंसर 5 आएगा, 5 को 11 में जोड़ेंगे जिसका आंसर 16 होगा, और 16 का बच्चा स्क्वायर रूट 4 होगा, 4 को 5 में जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए इनको अंतिम से आप कर सकते हैं, किसका वैल्यू 7 होगा, 29 7 36 होगा, 36 का मान 6 होगा, 19 6 25 होगा, इसका मान 5 होगा, 11 5 16 होगा, 16 स्क्वायर रूट होगा 4 का, 5 4 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट होगा बच्चा 3। तो डायरेक्टली इन क्वेश्चनों को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाय द वे हमने आपको पूरा स्टेप बताया है ताकि जिन बच्चों को चीज़ें क्लियर नहीं है उनको आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करेंगे तो तीसरे प्रश्न का, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी पेपर दे रहे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते होंगे। 4 की पावर n अंडर रूट में है बच्चा, और यहाँ पर है 1024। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है n का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, अगर आप ध्यान देना, यहाँ पर 4 की पावर n है बच्चा तो इसको भी 4 की पावर में ही कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ 2 की पावर n में है तो इसको भी 2 की पावर n में ही कन्वर्ट करना है। जो भी संख्या यहाँ पर लिखी रहेगी उसी संख्या में हमें इस संख्या को कन्वर्ट करना होता है। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इसे कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चा हमने कहा ना कि हम आपको एकदम बेसिक लेवल से बताएंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो देखो बच्चा क्या तरीका होता है, 4 में कन्वर्ट करना है तो आप लोगों ने एक गुणनखंड फैक्टर मेथड आपने बचपन में पढ़ा होगा। 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8, 2 बचेगा बच्चा, यहाँ पर आपका 22 बनेगा, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24। फिर 4 से काटोगे, 4 छंग 24, 4 चौका 16, अगेन 4 से काटोगे, 4 एकन्नम 4 और 4 छंग 24, फिर 4 से काटोगे बच्चा 4 आएगा, और फिर 4 से काटोगे 4 आएगा। तो ये चीज़ आपने बचपन में पढ़ा होगा, और हम इसे 2 से भी काट सकते थे, लेकिन एक्चुअली में हमें कन्वर्ट करना है 4 की पावर में, इसलिए बच्चा हमने इसे 4 से ही कट किया। और इस बात को हमेशा ध्यान देना, जब भी सवाल आएगा इसी पैटर्न के आधार पर आप कर लीजिएगा। अब यहाँ 4 कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 4 की पावर बच्चा 5। क्या लिख देंगे, 4 की पावर 5 लिख देंगे। अब बच्चा अगर इस अंडर रूट को हटाना है तो दोनों साइड का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों साइड का आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पर स्क्वायर से बच्चा रूट कैंसिल हो जाएगा। कभी भी अंडर रूट एक्स लिखा है, इस रूट को हटाना है तो बच्चा आपको स्क्वायर करना होता है। इसका मतलब ये होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, और ऊपर स्क्वायर करने से क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल होता है और वैल्यू हमारा x आता है। इन शॉर्ट में आप इतना समझिएगा, हालांकि हम इनकी बातें करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे पावर सर्च इंडिसेस, वहाँ पर डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कोई भी चीज़ करनी में है उसका स्क्वायर करने से वो करनी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ आएगा 4 की पावर n, और बचा यहाँ 4 की पावर घात के ऊपर घात रहेगा। अगर कभी भी लिखा है a की पावर m की पावर n बच्चा, तो यहाँ पर इनके ऊपर गुणा हो जाएगा, यम यन घात के ऊपर घात रहेगा। तो ऑलवेज क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 दुना 10 हो जाएगा। तो n का मान क्या आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा। अगर आधार आधार के बराबर है, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, तो घात घात के बराबर होगा, तो बच्चा n का मान क्या होगा, 10, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि बच्चों आप सभी को ये तीसरा प्रश्न भी अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आ गया। हम चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ये सारे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है बच्चा, जैसे कि मैं बोर्ड पर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है 13.608 का स्क्वायर, माइनस में लिखा है बच्चा यहाँ पर 13.392 का स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है।
तो इसका मान बताना है। अब इस सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है। फाइनली यहाँ पर बाहर जो लगा है बच्चा क्यूब रूट लगा है और अंदर जो है वो स्क्वायर है और दो अलग अलग संख्याएं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इस संख्या को बच्चा हम एक संख्या को ए मान सकते हैं और एक संख्या को हम बी मान सकते हैं। तो हम इसे ले सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम सभी को पता है एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी रहेगा और एक दूसरे ब्रैकेट में बच्चा ए प्लस बी रहेगा। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है बच्चा, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो वैल्यू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक दूसरे ब्रैकेट में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखोगे और एक ब्रैकेट में बच्चा ए माइनस बी लिखोगे और बाहर क्यूब रूट लगाओगे। अब यहाँ पर हमारा ए का जो मान है 13.608 है और बी का जो मान है बच्चा 13.392 है। इनको जब आप पहले जोड़ोगे, ए प्लस बी करोगे, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 8, 2, 10, 9, 1, 10, 6, 3, 9, 1, 10, 3, 3, 6, 1, 7, 1, 1, 2 27 मिल जाएगा बच्चा। क्या मिल जाएगा, इनको जोड़ने पे आपको 27 मिल जाएगा। इनको घटाने पे क्या मिलेगा, अगर बच्चा हम यही वैल्यू यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यहाँ पर बच्चा 1 मिलेगा और यहाँ पर हमारा 5 में से चला जाएगा 3 तो 2 मिलेगा और यहाँ 0, 0 आ जाएगा। पॉइंट में क्या मिलेगा 216 मिलेगा। यहाँ पर पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह गया था, यहाँ पर बच्चा आपको मिल जाएगा गुणा में 0.216 और यहाँ पर क्यूब रूट है। अब देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। हम सभी को पता है जो 27 है बच्चा ये 3 का क्यूब रूट है, ये बाहर आ गया, और 216 जो है बच्चा ये 6 का क्यूब रूट है, लेकिन दशमलव यहाँ 3 अंकों पर लगा है तो हमें एक अंक पे दशमलव लगाना है क्योंकि एक अंक पे दशमलव रहेगा। एक्चुअली में इस चीज़ का मतलब क्या होता है, 0.6 × 0.6 × 0.6 गुणा में जो बच्चा होता है पॉइंट आपका एड ऑन हो जाता है, तो 216 करोगे दशमलव 3 अंक पे आ जाएगा। इन 3 और क्यूब रूट में क्या होता है, अगर 3 की पेयरिंग बन गई तो संख्या हमारी कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 6 = 18 हो जाएगा, दशमलव 1 अंक पे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक अंक में है। बच्चा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.8। एंड आई थिंक कि आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। पांचवा क्वेश्चन जो आपके पिट के एग्जाम में आया था, लास्ट टाइम जब पिट का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर यही पांचवा क्वेश्चन आया था, हूबहू यही डिजिट था और यही सारी चीज़ें थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्क्वायर रूट का है बच्चा, इन क्वेश्चनों के आधार पर हम स्क्वायर रूट के पैटर्न को समझ पाते हैं और नेक्स्ट जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन चैप्टरों से तो हम उनको बड़े आसानी से बना पाते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चा, अंडर रूट में लिखी है एक संख्या 1 + 27 / 169 इक्वल टू लिखा है बच्चा यहाँ पर x 1 + x / 13 और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है x का मान क्या होगा। तो हाउ टू फाइंड आउट x वैल्यू, x का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे यही देखना है। सोचो ना, जब इसे आप सॉल्व करोगे 169 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 27 आप प्लस करेंगे तो 196 हो जाएगा, इनका इसमें मल्टीप्लाई, इस संख्या को जोड़ देना है 169 / 196 / 169 इक्वल टू बच्चा बचेगा 1 + x / 13। हम सभी को पता है 14 का स्क्वायर रूट है और ये 13 का है और बच्चा यहाँ पर है 1 + x / 13। इस 1 को जब आप इधर लाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14 / 13 - 1। जब ये 1 इधर आएगा तो इसका चाहे साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अगर चिन्ह प्लस में है तो बच्चा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा x / 13। लेस करोगे 13 × 9 = 13, 14 में से 13 जाएगा बच्चा 1/13 आएगा और बराबर x/13, 13 से 13 कैंसिल, x का जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपके पिट के एग्जाम में आया था, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों के आधार पर हम इनके पैटर्न को समझ पाते हैं और आगे इन क्वेश्चनों को कर पाते हैं। छठा क्वेश्चन जो कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चा। यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू आपको गिवेन है, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, बस सारा गेम जो है सिर्फ पॉइंट का है, पॉइंट के प्लेसेस बदल जा रहे हैं और संख्याएं वही लिखे जा रही हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है बच्चा, अगर पॉइंट दो प्लेस पे है तो जो इसका आंसर होगा सबका आंसर तो 29 ही होगा, ये तो सबका फाइनली क्लियर है बच्चा, 29 ही होगा, बस पॉइंट को हमें प्लेस करना है। अगर दो अंक पे स्क्वायर रूट में बच्चा पॉइंट है तो ऑलवेज एक अंक पे लगेगा, अगर चार अंक पे है तो दो अंक पे लगेगा, छः अंक पे है तो बच्चा तीन अंकों के बाद आपका पॉइंट लगेगा, तो दो अंक तो ऑलरेडी हो गया, एक अंक जीरो बढ़ा दीजिए उसके बाद पॉइंट लगाइए। हमेशा ध्यान देना इनकी पेयरिंग बनती है, अगर दो पेयर पे है बच्चा तो एक, अगर एक पेयर बन रहा है
तो पॉइंट वन अंक पे, वन डिजिट के बाद दो पेयर बन गया, तो दो अंकों के बाद अगर तीन पेयर बन गया बच्चा स्क्वायर रूट में, तो तीन अंकों के बाद यहाँ पर पॉइंट आपको ऐड ऑन कर देना है। फाइनली हमें क्या करना है बच्चा, ऐड कर देना है। जब इन्हें ऐड करोगे 2.9, 0.29 एंड 0.029, तो यहाँ 9 आएगा, 9 और 2 बच्चा 11 होगा, 11 एंड 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3.219। एंड आई होप कि बच्चा आप सभी को समझ में आया होगा। इस सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को सीखने के बाद जब आपके एग्जाम में यही क्वेश्चंस आएंगे तो कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को बनाने में आपको आसानी होगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत है, तो बच्चा हमारा चैनल स्पेशली बेसिक लेवल के लिए है। आपको बेसिक लेवल से हम आपको हर लेवल तक का टच कराएंगे, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा, जिस लेवल तक जाना चाहोगे वहाँ तक आपको ले चलेंगे। तो आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ टेट के एग्जाम पे है, तो हम टेट के लेवल को ही, टेट के लेवल में ही रहना चाहते हैं है और वही लेवल बोर्ड पे दिख रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि बच्चों आप एक बार अभ्यास करो, आप लगा के देखो क्या आप इनके आंसर ला पा रहे हो। अगर ला भी पा रहे हो तो कितने समय लग रहे हैं, क्योंकि टाइम का भी बहुत बड़ा मैटर होता है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चनों को कर पाते हैं। बच्चा अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो फाइनली हम सभी को पता है इस 16 का स्क्वायर रूट है, 16 का स्क्वायर रूट है, भाग है बच्चा, तो ए बटे में आ जाएगा वैल्यू अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ए वैल्यू यहाँ आएगा बच्चा, ए वैल्यू यहाँ जाएगा, तो 16 का 3 में गुणा करोगे 48 हो जाएगा, अंडर रूट एक्स यहाँ जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि अगर कभी भी कहीं पर अंडर रूट लगा है, उस अंडर रूट को हटाना है तो हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। सो बच्चों हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ वैल्यू हो जाएगा एक्स और इनका जो स्क्वायर हो जाएगा बच्चा 23.04 होगा। अब हमें ये ट्रिक पे याद है, लेकिन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप जो है डायरेक्टली इनका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। हमें याद नहीं था, हमने ट्रिक पे निकाल के लिखा है। अब वो ट्रिक बहुत अच्छी है बच्चा, जैसे कि 48 है ना, तो ये 50 से अपना 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 0.04 होता है, हमने लिख दिया। और कभी भी अगर 50, 50 के नीचे संख्याएं हैं तो 23 में से उतना कम कर देना है जितना यहाँ पर कम है, 25 में से 2 माइनस करेंगे 23 आ जाएगा, या बच्चा इसी में से 2 माइनस करो 46 होगा, 46 का जस्ट हाफ कर दो। तो कई तरीके होते हैं, उनके आधार पे हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो वही चीज़ें हैं बच्चा, आई होप पढ़ रहे हैं और आप सभी को ये बोर्ड पे दिख रहा होगा कि 13 रुपये का एक उपहार खरीदने के लिए एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने उतने ही पैसे दिए जितने की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। यदि अध्यापक ने 4 रुपये का योगदान किया हो तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। छात्रों की संख्या क्या है, अब आप बच्चा समझिएगा, एक क्लास है, एक क्लास में टीचर ने कहा कि प्यारे बच्चों आप सभी को हम एक उपहार गिफ्ट करेंगे, लेकिन वो पैसा भी आप ही लोगों को देना है। और बच्चों ने कहा सर कितना पैसा देना है, तो टीचर ने कहा कि आपकी जितनी संख्या है, जैसे कि मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में, तो सभी बच्चे उतना ही पैसा देंगे, रुपया नहीं बोला बच्चा सवाल में, इसी बात को ध्यान देना, मैं वही ध्यान दे रहा था कि यहाँ पैसा वर्ड लिखा है, जितना पैसा जितने लोग हो उतने उतने पैसे देने हैं। कहने का मतलब अगर मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं तो सभी बच्चों को 10-10 पैसा देना है, रुपया नहीं, सभी बच्चों को 10-10 पैसा देना है, और जितने टीचर रहेंगे वो टीचर 4 रुपये देंगे। और यहाँ पर कहा गया है यदि अध्यापक ने 4 रुपये का योगदान किया हो, तो एक क्लास में सिर्फ एक ही टीचर है, उस टीचर ने कहा कि हम 4 रुपये अपनी तरफ से देंगे, 13 रुपया का गिफ्ट है, बाकी पैसा आप लोग मिलाएंगे, 4 रुपया हमारी तरफ से होगा। अब बच्चा हुआ क्या, जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, अगर हम आप सभी से कहें कि जितने बच्चे हैं उतना ही पैसे देंगे, तो 10 बच्चे कितना कितना पैसा देंगे, 10-10 पैसा देंगे। अगर 10 बच्चे 10-10 पैसा देंगे तो बच्चा कितना रुपया इकट्ठा होगा, 1 रुपया होगा, 10 गुणे 10 करोगे, 10 दाम में 100 पैसा आएगा। तो वही चीज़ हुआ, हम मान लिए कि बच्चों की संख्या मान लो यक्ष है, अगर उनकी संख्या यक्ष है तो प्रत्येक बच्चा यक्ष यक्ष पैसा देगा, अगर उनकी संख्या 10 होती बच्चा तो सभी लोग 10-10 पैसा देते, तो 10 गुणे 10 करते, तो हमें वो तो पता नहीं है, हमने मान लिया उनकी संख्या यक्ष है तो सारे बच्चे यक्ष यक्ष पैसा देंगे। ये बच्चों द्वारा कलेक्ट किया गया कुल पैसा हो गया बच्चों के द्वारा, और टीचर ने भी दे दिया 4 रुपया, तो 4 रुपया को बच्चा पैसा में कन्वर्ट करोगे तो 400 पैसा हो जाएगा, क्योंकि ये पैसे में लिखा गया है, तो ये भी पैसे में हो गया। और गिफ्ट जो है बच्चा 1300 पैसे का है, 13 रुपये का मतलब 1300 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में बच्चा 100 पैसा होता है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1300 माइनस 400 हो जाएगा, तो यक्स का मान जो हो जाएगा बच्चा ये 900 आएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो ये संख्या स्क्वायर रूट में आ जाएगी। जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो अगली संख्या किस में आ जाएगी, स्क्वायर रूट में, और एक इसके स्क्वायर रूट है 30 की, यानी उस क्लास में जो बच्चों की संख्या थी वो कितनी थी बच्चा 30 थी।
आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए भी स्क्वायर रूट का प्रश्न था, बेहद अच्छा प्रश्न था। तो चलते हैं, नौवां प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जितना इसका जिक्र किया जाए उतना ही कम है बच्चा। तेरहवा प्रश्न है आपका, सॉरी आपका कौन सा, नौवां प्रश्न है बच्चा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 1300 में से घटाने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यानी बच्चा कहा गया है वह छोटी सी छोटी संख्या जिसको 1300 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। जब भी ऐसा सवाल आए आपके एग्जाम में कुछ नहीं करना है बच्चा, 1300 आपको बोला गया है उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेना है। हम सभी को पता है अगर हम 3 बार ले जाएंगे 3 तरह का 9 हो जाएगा, क्योंकि 4 बार ले जाएंगे 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ पर इस 3 को हम लोग ऐड करते हैं 6 होता है, यहाँ पर लेस करते हैं 4 आता है, पूरा जोड़ा उतारते हैं 400 हो जाता है। अगर इसे हम 7 बार ले जाएंगे तो 6 से 42 ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे 6 का 36, हाँ से लगा 3 बच्चा, 6 का 36 3 39, तो यहाँ 396 आ जाएगा, यहाँ पर 4 शेष बच जाएगा। अब बच्चा ध्यान देना, अगर यही 4 ना शेष बचता तो ये संख्या 36 का क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन 4 यहाँ पर बच गया। अगर यही 4 ना बचता तो ये संख्या हमारा क्या होता, 36 का परफेक्ट स्क्वायर होता। कहने का मतलब अगर हम 1300 में से 4 घटा दें तो जो हमें मिलेगा 1296, ये बच्चा 36 का हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा या स्क्वायर होगा, 36 का स्क्वायर होगा और ये 1296 36 का स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी ये जो है बच्चा 36 का वर्गमूल हो जाएगा या 36 का ये वर्ग हो जाएगा। तो 4 घटाएंगे, क्या घटाएंगे हम, 4 घटा देंगे, संख्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो बच्चा जब भी ऐसा प्रश्न आए ऑलवेज आपको स्क्वायर रूट निकालना है, जो संख्या लास्ट में बच जाएगी उसी को क्या कर देना है आपको। आज का अंतिम प्रश्न है, कुछ लोगों ने 529 रुपये एकत्र किए, यदि प्रत्येक व्यक्ति ने उतने का योगदान किया जितनी उनकी संख्या थी तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अभी हम लोगों ने जो उपहार वाला सवाल पढ़ा था सेम वही सवाल है, 529 रुपये इकट्ठा करना था। हमने कहा भाई जितने लोग हैं हम लोग, हम उतनी ही संख्या में पैसा भी देंगे, अगर 10 लोग हैं तो सभी लोग 10-10 रुपये देंगे, और यहाँ पर कोई अलग से पैसा नहीं मिला रहा है। मान लो बच्चा यक्स लोग हैं तो सभी लोग यक्स यक्स पैसा देंगे, तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो टोटल 529 हो रहा है। यानी बच्चा यक्स स्क्वायर का जो मान आ जा रहा है डायरेक्टली 529 आ जा रहा है। वहाँ पर टीचर का भी पैसा था तो आपने प्लस किया था, यहाँ नहीं है तो नहीं करेंगे। स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चा स्क्वायर रूट बन जाएगा 529, और किसका स्क्वायर रूट है, 23 का है। यानी उनकी संख्या जो थी बच्चा वहाँ पर 23 थी। तो आई होप कि बच्चों आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस लाइक, कैसे लगे क्वेश्चन जरूर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में बच्चा हम लोग जो है स्क्वायर रूट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, जय।